स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद। पानी का रंग श्वेत है, ऊपर जाकर देखना, नीचे पानी आपको सफ़ेद चूने की तरह दिखेगा, हवाई जहाज से देखिए, और खारा स्वाद है। साहब ने स्वाद भी बताया। हरो रंग है वायु को, नीलो, और खट्टो इसको स्वाद। आप देखते हैं ना कि ऊपर देखा नीला नीला दिख रहा, कह रहे आसमान नहीं, ये वायु है। आपको मैं बताऊं, 10,000 फीट के ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हवाई जहाज 10 किलोमीटर तक जाता है, फिर ऐसा हरा नहीं दिखता है, कुछ और ही दिखता है, बादलों से भी बहुत ऊपर चला जाता है जहाज। ये वायु है, वायु नज़दीक से नहीं दिखेगी, इसलिए साकार है वायु। लोग क्या करें, वायु दिखती नहीं, ये वायु है, क्योंकि साकार का मतलब है जिसका आकार है। लेकिन कोई नहीं कहता, कहता वायु दिखती नहीं है। इसी तरह लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद, इसी से 6 स्वाद खट रस निकले। और कालो रंग आकाश को, फीको इसको स्वाद। जो अंधकार है ये आकाश तत्व है, ठीक है। आकाश तत्व क्या है? अंधकार। जब आप घोर अंधकार में पहुंचेंगे, आपके कमरे में अंधेरा थोड़ी है, खिड़की दरवाजे बंद है, तो भी कहीं ना कहीं से थोड़ी रोशनी तो आ रही है ना, वो घोर अंधकार जो है वो आकाश तत्व है। इसलिए वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वो आकाश तत्व है। ये 5 तत्व हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये सृजन, इसी आकाश तत्व से वायु उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन, इसी आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि। आप देखो कपड़ा रखो तो वो हवा से खुश्क हो जाता है, सूख जाता। अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये ब्रह्मांड आकाश से बना। आकाश की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वाह, ये ब्रह्मांड किसके कंट्रोल में है? आओ मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से दिखाऊंगा। किससे हुई? ब्रह्मांड क्या है भाई? ब्रह्मांड किसको कहते हैं? कहते हैं ना ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? कोई भी बताए। आपने सोचा ये धरती आसमान ये ब्रह्मांड है? नहीं, 5 तत्व ब्रह्मांड में रहते हैं। 5 तत्व किस में रहते हैं? ब्रह्मांड में। ब्रह्म के द्वारा पूरी उत्पत्ति है। किसके द्वारा? अब रुको थोड़ा, शास्त्र क्या कह रहे हैं देखना, कितना बड़ा पेच है। शून्य, ब्रह्मांड क्या है? सुनो, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, 5ों को अलग करने के बाद जो स्थिति है वो ब्रह्मांड है। शून्य, शून्य माह रचो संसारा, साहब भी कह रहे हैं। लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये शून्य कहां से आई? शून्य क्या है? शून्य किसको कहते हैं? जिसका आकार नहीं हो। मानव समुदाय ने परमात्मा की खोज कहां तक की?
सबने निराकार मान लिया, इसलिए मुसलमान कह रहा है बेचू ना खुदा। देखना है मानो कहाँ पहुँचा है। और हमारा वेद भी निराकार बोल रहा है, जेति दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम, निराकार। यही ईसाई भी कह रहे हैं, ये छोटी सी धरती पर रहने वाले मानव समुदाय ने निराकार को परमात्मा माना है। क्या माना? निराकार को परमात्मा। वाह, निराकार क्या? आकाश निराकार नहीं है, थोड़ा समझना। ये तो पंचभौतिक तत्व है, आपने ये रहस्य कभी नहीं सोचा है। जल निराकार नहीं है, अग्नि निराकार नहीं है, वायु निराकार नहीं है, इनके तो आकार है। विश्व में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, मानव समुदाय, हिंदू मुसलमान ईसाई आदि, ये क्लासिकल धर्म है। विश्व की आबादी का 5वां हिस्सा भारत में है, पूरा विश्व एक तरफ, पूरे विश्व की जनसंख्या अकेले भारत में 5वां हिस्सा है, 1/5 हम हैं। और चीन मिला दो, भारत और चीन, तो विश्व की आधी आबादी हो जाएगी। और 185 देश हैं दुनिया के, छोटे छोटे देश हैं। एक देश जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, उसकी जनसंख्या कुल 12 है, कुल 12 या 14 आदमी है, वो एक टापू है किसी का, वो अपना देश है। तो जितने भी मानव समुदाय धर्मशास्त्र हैं, सब निराकार का गुण गाए, इसलिए मुसलमान कह रहा है बेचू ना खुदा। इसलिए ईसाई कह रहे हैं आकाशी पिता। हम हिंदू कह रहे हैं निराकार परमात्मा, जेते दृश्यम तेते नित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम, परमात्मा निराकार है। आओ इस रहस्य की तरफ चले। निराकार क्या है? शून्य। आप शून्य को नहीं जान सकते, आपकी कैसे नहीं जान सकते मैं बताता हूं। आपकी आत्मा कहाँ है? इसी में ही तो है ना। आत्मा का पता क्यों नहीं चल रहा है? हाँ भैया, ये पीछे वाले भैया, आत्मा मानते हैं आप? पक्का? आपकी आत्मा घर में तो नहीं छोड़ के आए? इधर ही है, पता नहीं चल रहा है? क्यों? आओ कारण देखें। स्वात्मा, निजात्मा, अपनी आत्मा, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। आपकी आत्मा कहाँ गई? आपका शरीर यही है ना, इस छोटे से घर में आपकी आत्मा रहती है, आप नहीं जान पाए? कौतुक नहीं है? मैं आपका सार्वजनिक अपमान करने के लिए थोड़ी खड़ा किया, आपकी बात थोड़ी है, सबको, किसी को भी नहीं पता। आखिर थोड़ा चलते हम, आत्मा कैसी है पता है? सीआईडी वाले, क्राइम वाले, क्राइम ब्रांच वाले अपराधी तक पता है कैसे पहुंचते हैं? मान लो कोई बैंक में डाका डाला, बनखेड़ी बैंक में जो डाका डालने आएगा यहाँ का आदमी नहीं आएगा, उसको तो सब पहचान लेंगे, दूसरी जगह से आएंगे। तो वो रिवॉल्वर लाते, बंदूक लाते हैं, सीने पर रखते हैं, मैनेजर को कहते चाबी ला जल्दी, मैनेजर चाबी दे देता है, जान गंवानी है क्या? वो पैसा ले जाते हैं, बाद में पुलिस आती है, विजिलेंस टीम आती है, बोलते भाई मैनेजर साहब चाबी क्यों दी डाकू को तुमने? बोला अरे हुजूर चाबी नहीं देना था, जान गंवाना था, वो तो सीने पर बंदूक रख करके बोल रहा था चाबी दे नहीं तो मार दूंगा, चाबी दे दी मैंने। अच्छा ठीक है, तुम चोर को जानते हो डाकू को? बोला नहीं। वो रेखा बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, बोलता है चेहरा गोल है या लंबा है? कुछ लोगों का चेहरा गोल है, कुछ का लंबा है, तो कहते हैं जी गोला मध्यम है। बोला अच्छा ठीक है। शोल्डर वाइड है या छोटे हैं?
मूछे हैं कि नहीं है, बोले हाँ। वो इतनी सावधानी से नहीं जा रहा है, बाल पड़े हैं या खड़े हैं वो कोट करता जाता है, भावें बारीक है या मोटी है, मूछे जैसे मेरी मोटी है किसी की पतली है। तो कहते हैं मूछे कैसी थी, बोला हाँ ऐसी थी। कपड़ा कौन सा, पेट बाहर था, कैसा था, पूरा एक रेखा चित्र बनाते हैं, देखो कैसे पहुँचते हैं। फिर सभी थानों में वो स्केच भेजते हैं, इस किस्म का अपराधी तबका है क्या तुम्हारे यहाँ, पूरे थानों में सब जगह अखबारों में वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। जिसने महात्मा गांधी को देखा है उसका रेखा चित्र देखते ही बता दोगे कि महात्मा गांधी है कि नहीं। इसी तरह वो आई से वो बना लेते हैं, समझे ना भैया, बैठिए। मैं इसी तरह कह रहा हूँ आत्मा का आइडियल, ये इसको कहते हैं आइडियल रूप, अपने आइडिया से बताओ जैसा सुना हो। भाष्य कृष्ण ने गीता में भी कहा नैनम छिद्राणी शस्त्र च न शोषंति मारुत है नैनम दहंति पावक आदि आदि, नॉट वेपन कैन कट इट, नॉट फायर कैन रन इट, नॉट विंड कैन ड्राई इट, नॉट वाटर कैन वेट इट, अर्जुन सोल इज इमर्टल। अब न शे जन्मती मरती नहीं, कम बेसी नहीं होती, चेतन स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। आत्मा दिखाता हूँ चेतना, एक पॉइंट जब हम पहुँचे ना ये चेतन है। शरीर में चेतन क्या है, ध्यान। आओ ध्यान दिखाऊं, ये देख रहे हैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। जब मैंने कहा ध्यान से देखो आपने क्या किया, आपने हाथों से तो जोर लगाया नहीं, आपने कंसंट्रेशन इधर ड्रॉन किया। ये है आत्मा जो सुरती है, जो कंसंट्रेशन है ये आत्मा है। इसका यूज आपने कभी देखा कितना है, बहुत। एवरीथिंग इससे है, खा रहे हो इससे, बोल रहे हो इससे, सुन रहे हो इससे, चल रहे हो इससे, श्वास ले रहे हो इससे। आत्मा चेतन स्वरूप है, तो अपनी चेतना को देखो ना, वो आत्मा है। अपनी चेतना क्यों नहीं देख पा रहे हो, इसी तरह शून्य नहीं दिखाई दे रही, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं देख पा रहे हो। शुद्ध चेतना, साहू जी बोलो ना यार, उसमें संकल्प विकल्प है, चिंतन है, मेमोरी है, मैं साहू हूं, दृश्य है, इंद्रिय है, इस कारण कवर हो गई क्या है, इसलिए आत्मा के साक्षात्कार का उपक्रम क्या है, वो एकांत में जाकर पूरी क्रियाओं को स्टॉप करके तब शुद्ध रूप देखना चाह रहे हैं, यही ना भाई। आत्मज्ञान के लिए उपक्रम क्या है, आदमी एकाग्र क्यों बैठ रहा है, यानी इन सब एक्टिविटी के खत्म होने के बाद जो बचा वो आत्मा है। और ये हमारी हो नहीं रही है, कभी कुछ याद आ रहा है, कभी कोई क्रिया हो रही है, इसमें बाधक कौन है, मन है। वो क्या, मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये इच्छा करता है इसे मन कहते हैं। जो आपने थॉट्स आए या तो ये होते होंगे आपके अंदर, इससे अगर ये नहीं हो रहा है तो आप कोई फैसला कर रहे होंगे। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। अब देखो आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रत्युत्तर दिया, ये बुद्धि का यूज किया। मन का तीसरा रूप है चित्त, आप याद कर रहे हैं इधर उधर का। चौथा रूप पता है क्या, बड़ा खतरनाक, अहंकार, क्रिया, खड़े होना, उठना, बैठना, ये क्रियाएं। आप इन चारों में से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, या तो कभी क्रिया कर रहे हैं, या तो कभी सोच रहे हैं, या तो कभी कुछ कर रहे हैं। ये मन चंचल है, ये स्थिर नहीं है। इस सबके स्टॉप होने के बाद जो बाकी बचा वो आत्मा है, पर आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसी तरह पांचों तत्वों के हटने के बाद जो बाकी बचा शून्य है। इसलिए शून्य को देखना कितना मुश्किल हुआ, सभी धर्मों में शून्य को परमात्मा माना। ये शून्य कहां से आई, वेद इस शून्य तक बोल रहा है, आगे नहीं बोल रहा है। आगे संतों ने कह दिया, पांचों तत्व को वो होल्ड किए हुए है, सब एकदम नेटवर्क है, इससे पूरे तत्व इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। वो शून्य कहां से आई, मैं ईश्वरीय रहस्य बोल रहा हूं, आप समझना। पाटिलिक ने, मैंने ईश्वर देख लिया, बोला दुनिया बनाने वाला मैं देखा। पता है फिर वो क्या बोला, वो आइटम से हजारों गुना सूक्ष्म है, देख नहीं सकता कोई भी, लेकिन मैं देख लिया। गॉड पाटिलिक, उसको क्या कहा उस तत्व को, गॉड पाटिलिक। पाटिलिक साइंटिस्ट है, उसने सर्च किया, उसने कहा पूरे तत्वों को वो अपने खिला रहा है, पूरा ब्रह्मांड वो कंट्रोल में रखा हुआ है,
यही हमारा धर्म भी बोल रहा है, विज्ञान और धर्म साथ चल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे निराकार परमात्मा, बेचूना खुदा, आकाशी पिता, सबने यूं बोला है। अब सवाल उठा वो कहां से आया, वेद भी निराकार तक जाकर रुक गए, शून्य कहां से आई। वो सर्वत्र ब्रह्म, ब्रह्मांड में ब्रह्म रमा हुआ है। आओ ये रहस्य बताऊंगा, शून्य कहां से आई, लोगों ने इस शून्य को क्यों परमात्मा माना वो बताता हूं। इसमें हकीकत है, इसलिए सबने इस निराकार बोला। धर्मदास ने एक सवाल पूछा साहेब से, काल निरंजन कहमित भयो, कैसे खोज सूत्र मयो, कैसे चार खान विस्तारी, कैसे जीव काल विस्तारी, कैसे कुर्म और शेष प्राजा, कैसे मीन बराहे साजा, चंद्र सूर्य कैसे सब भयो, कैसे तारागण सब ठयो, कहमित भई शरीर की रचना, भाकु साहेब उत्पत्ति वचना। ये रहस्य पूछ रहा है धर्मदास साहब से, क्या पूछे। आज मैंने यही संवाद उठाया, ये ब्रह्मांड कैसे बना, आत्मा कैसे है, कैसे ब्रह्म है, तत्व कहाँ से आए, विश्व कैसे बना, ये अहम सवाल है। आज रिसर्च ही इसी पर है। अब साहब क्या बोल रहे हैं आप भी सुनना, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं पही मही पाताल आकाशा। तब की बात बताता हूँ, जब धरती आकाश पवन पानी ब्रह्मांड नहीं था, मैं तब की बात बता रहा हूँ। जब नहीं कुरुम रहा और शेषा, जब नहीं शारद गोरी गणेशा, कुछ भी नहीं था। जब नहीं हते निरंजन लाया, जिन जीवन को बहुत दल जाया, काल पुरुष भी नहीं था। 33 कोटि देवता नहीं और अनेक बताऊं था, ये भी नहीं थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तहियाँ, शास्त्र वेद पुराण ने कहियाँ, ये भी नहीं थे। तब सब रहे पुरुष के माई, जो बट वृक्ष मध्य रहे छाई, वो ही था केवल। टीवी में देखते हो ना, तब पवन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो था। कि सुनते हो ना, वो था। आदि उत्पत्त सुनाओ धर्मन, कोई नहीं जानता है को। बोला जो मैं रहस्य बोल रहा हूं कोई नहीं जानता है, तुम सुनो। सभय भो विस्तार पाछे, साख दे को काहे को। कोई गवाही क्या देगा, कोई था ही नहीं, पर मैं दे रहा हूं। वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां, वेद भी नहीं बता पाएंगे। वेद को तब मूल ना ही, अकत कथा बखानिया। निराकार थे वेद, आदि वेद जाने नहीं। वेद निराकार तक बोलता है, उसी ने उत्पन्न किया, आदि भेद नहीं जानता है। मैं तुझे आदि भेद बताता हूं। शून्य कहां से आई आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, कबीर साहब का स्ट्रक्चर क्या है। जितने भी पंथ हैं उनकी वाणी ले रहे हैं, जितनी भी साधनाएं उपासनाएं पद्धतियां सब उनकी वाणी ले रहे हैं। ग्रंथ साहब में उनकी वाणी है, राधा स्वामी वाले उनकी वाणी के बिना चल ही नहीं सकते। जितने भी मत हैं, सोहंग वाले, आनंदपुर वाले, निरंकारी, सब कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर इतना विशाल है। सत्य पुरुष जब गुप्त रहा है, सत्य सोई जो विंशे नाई, इसी को कहा आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, कारण करण नहीं नरवाए, कोई सृष्टि नहीं थी, वो था। प्रथम पुरुष शब्द उच्चारा, दीप लोक रच कीन निवास। शब्द ये आवाज क्या है डॉक्टर साहब, आवाज क्या है, कंठ में हमारा स्वर यंत्र है पृथ्वी तत्व, और अंदर से आवाज छोड़ी, वो हुआ शब्द। आप वाक्य कैसे बना रहे हैं, आप खड़े हैं कैसे खड़े हैं, पूरी बॉडी का वजन दो पैर पर कैसे ले लिया, गिरे क्यों नहीं आप, आपने जमीन पकड़ रखी है, पता है किससे, उंगलियों से। आप ऐसा करो एडी के बल हो जाओ, देखो गिरने वाले हो ना आप, हमेशा जमीन पकड़ करके चल रहे हैं, ये स्वभाव में आ गया, आपको पता नहीं है आप जमीन पकड़ के चल रहे हैं। आप हारमोनियम की तरह यहां से स्वर निकाल रहे हैं, ठीक है, थीए?